बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अस्मा। आज हम बनाएंगे पकोड़े, वो भी कड़ी के। प्याज है मेरे पास चार दाने दरमियाने साइज़ के चॉप किए हुए। धनिया है मेरे पास एक मुट्ठी और हरी मिर्च हैं तीन से चार दाने गोल गोल स्लाइस में कटी हुई छोटी छोटी। बेसन एक पाव, नमक एक चम्मच से थोड़ा कम है, धनिया पाउडर डेढ़ चम्मच, कटर मिर्च एक चम्मच, अजवाइन हाफ टी स्पून, लाल मिर्च एक चम्मच, हल्दी हाफ टी स्पून, टमाटर है बड़ा एक चॉप किया हुआ, पानी बेसन घोलने के लिए हसबे ज़रूरत। प्याज में बेसन डाल दें और अब इसमें मसाले शामिल करें, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, कटर मिर्च, अजवाइन और नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, टमाटर चॉप किया हुआ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे घोल लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहें और अच्छे से इसे घोल लें ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। अब हमारा बेसन तैयार है, घोल दिया है मैंने, ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है क्योंकि ये कड़ी के लिए पकोड़े हैं। इसीलिए पानी मैंने एक गिलास में से तीन हिस्से इस्तेमाल किया है, एक हिस्सा बच गया है। अब बेसन को आधे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, तेल गरम करें और इसमें पकोड़े डालने शुरू करें। दो मिनट तक एक साइड से पकाएं और दो मिनट तक दूसरे साइड से पका लें और ये हमारा पहला बैच निकल गया है, तकरीबन दो बैच निकल गए हैं। अभी मैंने फिर से पकोड़े डाल दिए हैं और ये हमारे पकोड़े करीब तैयार हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।